हेलो दोस्तों, चंदौली ब्लागर में आपका स्वागत है। आज हम करहिया गांव में स्थित माँ कामाख्या मंदिर आए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में स्थित है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। माँ कामाख्या मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, मंदिर कब बना, यहाँ पर कैसे आए तथा यहाँ पर मेले का आयोजन कब होता है। मंदिर के पास ही पार्किंग एरिया है, जहाँ पर बाइक या कार पार्क कर सकते हैं। पार्किंग के बगल में थाना भी है। अब हम लोग धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। यह माता का मंदिर आदिशक्ति माँ भवानी दुर्गा को समर्पित है। पुरानी मान्यताओं और पुराणों के अनुसार माँ कामाख्या देवी को सिकरवार वंशी राजाओं की कुल देवी के रूप में बताया गया है। नवरात्रि के समय में यहाँ पर 9 दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पे प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु माँ का दर्शन करने के लिए आते हैं। अब हम मंदिर के बाहरी गेट पर आ गए हैं। यहाँ पर एक छोटा सा गेट लगा है तथा बांस के डिजाइनों के छोटे छोटे कॉलम बनाए गए हैं, जो कि देखने में काफ़ी यूनिक लग रहे हैं। बाहरी गेट से 15 से 20 फीट का चौड़ा रास्ता मंदिर की तरफ जा रहा है। यहाँ का आप खूबसूरती देख सकते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर आएंगे तो आपको असीम शांति की अनुभूति होगी। रास्ते के बगल की दीवारों पर भी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, जो मंदिर को सुशोभित कर रही हैं और मंदिर की खूबसूरती को बढ़ा रही हैं। सामने प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं। माता के प्रसाद के लिए लाल चुनरी, नारियल, लाल गुड़हल और इलायची दाना होता है, और सुहागन औरतें श्रृंगार का सामान जैसे कि सिंदूर, साड़ी, चूड़ी, बिंदी, वस्त्र इत्यादि माँ के पूजा के लिए अर्पण करती हैं। ध्यान दें, नारियल को मंदिर के गर्भगृह में नहीं तोड़ा जाता है, बल्कि मंदिर के कपाट से बाहर निकल कर उचित स्थान पर तोड़ा जाता है। मंदिर के पास में ही एक तालाब है, जिसके चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और उसे जाली से घेरा गया है। इस पोखरे में श्रद्धालु स्नान वगैरह भी कर सकते हैं। अब हम लोग माँ कामाख्या मंदिर की तरफ जा रहे हैं। मंदिर के मुख्य गेट से पहले ही सीमेंट के 2 बड़े पेड़ बने हुए हैं और उन्हीं पेड़ों में एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ है। बांस की डिजाइनों से छोटे छोटे कई कॉलम बने हुए हैं, जिनके बीच से दर्शनार्थी दर्शन के लिए जाते हैं। मुख्य गेट के पहले ही कृत्रिम पहाड़ बनाया गया है, जो मंदिर का शोभा बनाता है। एशिया के सबसे बड़े गाँव में शामिल गहमर स्थित आदि माँ शक्ति माँ कामाख्या धाम पूर्वांचल के लोगों का आस्था एवं विश्वास का केंद्र बना हुआ है। नवरात्र में श्रद्धालुओं की भीड़ का सैलाब मंदिर परिसर में देखने को मिलता है। मंदिर की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि सिकरवार वंश के राजपूतों ने इसकी स्थापना की।
वर्ष 1840 तक मंदिर में खंडित मूर्तियों की पूजा होती रही। 1841 में गहमर के ही एक स्वर्णकार तेजमन की मनोकामना पूरी होने पर इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। सामने कामाख्या माँ का मुख्य मंदिर दिखाई दे रहा है, जिसके मंडप में कुछ दर्शनार्थी भी दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पर भीड़ नहीं है, पर नवरात्रि के समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अब हम मंदिर के गर्भगृह का चक्कर लगाने जा रहे हैं, उसके बाद हम गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और माँ कामाख्या का दर्शन भी करेंगे। मंदिर के गर्भगृह में 3 दरवाजे हैं, आप किसी भी दरवाजे से माँ का दर्शन करने जा सकते हैं। मेले के समय में भीड़ को देखते हुए एक दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, जिससे भक्तजनों को सुविधा हो। अब हम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर चुके हैं। सामने माँ कामाख्या की बहुत ही मनमोहक प्रतिमा विराजमान है, जहाँ पर श्रद्धालु माँ का पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ पर अच्छा बांध करके माँ से मन्नत मांगते हैं। वैसे तो यह मंदिर पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल बना है, जिसमें श्रद्धालु विश्राम और आराम करते हैं। मुख्य मंदिर के दोनों साइड 2 छोटे मंदिर हैं, जिसे गुफा की तरह डिजाइन किया गया है। चलिए आप लोग को अंदर ले चलते हैं और माँ का दर्शन कराते हैं। सामने माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजमान है और साथ में 2 अन्य प्रतिमाएं भी विराजमान हैं, आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं। अब हम दूसरी गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें माँ काली की प्रतिमा विराजमान है। मंदिर से नजदीकी 2 रेलवे स्टेशन हैं, भदौरा और गहमर, जिनकी दूरी लगभग 5-6 किलोमीटर है। एक छोटा हाल्ट है करहिया, जिसकी दूरी 3-4 किलोमीटर है। माँ की कृपा से मन्नत पूरी होने पर लोग यहीं पे मुंडन करवाते हैं। सामने आप देख रहे हैं मुंडन गृह है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।